अगर मैं आपसे यह पूछूं कि दुनिया में तीसरा ऐसा कौन सा देश है जहां सबसे ज्यादा हिंदू जनसंख्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश? तो नहीं, सही जवाब है मॉरिशस, एक अफ्रीकी देश जहां 52% हिंदू जनसंख्या है। परंतु एक अफ्रीकी देश में इतनी हिंदू जनसंख्या कैसे? तो इसका जवाब इतिहास के पन्नों में है। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मॉरिशस पर कब्जा कर लिया था, जहां पर उन्होंने स्थानीय लोगों से गन्ने की खेती करवाई। इस गन्ने से चीनी बनती थी, जो एक काफी मुनाफे वाला व्यापार था। लेकिन जब 18वीं शताब्दी के 5वें दशक में अंग्रेजों ने गुलामी व्यवस्था को रद्द कर दिया था, तब चीनी के इस व्यापार को मुनाफे में रखने के लिए उन्हें चाहिए थे सस्ते श्रमिक। इसलिए वह भारत के बिहार, गुजरात जैसे राज्यों से 5 साल के समझौते के तहत श्रमिक लाते थे। पर बाद में 19वीं शताब्दी के 10वें दशक में इस समझौते को हमेशा के लिए रद्द किया गया, जिसके बाद अधिकतर भारतीय मॉरिशस में बस गए, और इसी कारण से मॉरिशस में आज इतनी ज्यादा हिंदू जनसंख्या है।